केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को वर्ष 2025 तक देश की सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन नीति 2020 को प्रशासनिक परिषद ने दी मंजूरी। कश्मीर संभाग के बांदीपुरा गुरेज रोड में जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। बांदीपुरा गुरेज रोड पर जमी बर्फ को राजदान तक हटा लिया गया है और शेष 15 किलोमीटर पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। कश्मीर संभाग के जिला बडगाम में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान को जारी रखते हुए 6 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। उनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। भारतीय सेना द्वारा पुंछ के दिगवार सेक्टर में 6 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना सीजफायर वॉयलेशन की आड़ में करवा रही थी सीमा पार। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में कोरोना वायरस के चलते शुरू की ई क्लासेस। इसमें विद्यार्थियों को व्हाट्सएप, ईमेल, स्काइप, एसएमएस आदि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों द्वारा ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दी जा रही है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मुसीबत की इस घड़ी में लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर किया बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार तत्काल प्रभाव से 35 लाख मजदूरों को देगी 1000 रुपए प्रति व्यक्ति। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 63। पिछले 24 घंटे में 11 और लोगों को संक्रमण की हुई पुष्टि। 11 नए मामलों में से 10 मुंबई से और 1 पुणे से आया सामने। उत्तर प्रदेश से कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच राहत की खबर सामने आई है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका कनिका कपूर की पार्टी में शामिल होने वाले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह समेत 45 लोगों की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। जानलेवा कोरोना वायरस के बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार ने बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की अपील की है। शासन ने एडवाइजरी जारी कर 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 31 मार्च तक घर पर ही रहने की सलाह दी।